अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। ख्वाब में वज़न उठाना, कमर पर वज़न उठाना, बोझ उठाना, गर्दन या कानों पर बोझ उठाना, यह ख्वाब में मुख्तलिफ सूरतों में बोझ उठाने की मुकम्मल ताबीरें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल ड्रीम्स वर्ल्ड को विज़िट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह के ख्वाबों की मुकम्मल ताबीरें जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त साथ लगे घंटी के निशान पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी कमर पर हल्का बोझ है तो दलील है कि उसके मुताबिक उसको फ़ायदा होगा, और अगर देखे कि पुश्त पर भारी बोझ है तो दलील है कि उसके गुनाह और मुआसी बहुत हैं। हज़रत करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि बहुत सा बोझ रखता है और जानता है कि उसकी मिल्क है तो दलील है कि बोझ की जिन्स के मुवाफिक उसको फ़ायदा या नुकसान या बुराई पहुँचेगी, और अगर देखे कि वह बोझ का ख़ुद मालिक नहीं है तो भी उसकी नेकी और बुराई साहिब ख्वाब की तरफ रजूह करेगी। ख्वाब में भारी बोझ उठाना बुरे पड़ोसी की अलामत है। कभी ज़्यादा बोझ गुनाहों पर भी दलालत करता है। ख्वाब में औरत का ज़्यादा बोझ उठाना इसके हामला होने की अलामत है या शरीर किस्म के शोहर की तरफ इशारा है। कभी ज़्यादा भारी बोझ उठाना बुरे पड़ोसी की तरफ से अजियत बर्दाश्त करने की तरफ इशारा होता है। गर्दन या शाने पर बोझ उठाना गुनाहों पर दलालत करता है। ख्वाब में बच्चा उठाना उठाते हुए के लिए राहत और उठाने वाले के लिए तकलीफ़ और परेशानी की दलील है। ख्वाब में लकड़ी उठाना गीबत, चुगली और झूठी बातें नकल करने की दलील है।